बहुत ही मजा आ रहा है बोटिंग में। तो अगर आपको कोई भी कमी नजर आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अभी रॉयल चितरन के बारे में बता दूं, ये एक ऐसी जगह है जो कि है तो चेन्नई में, दक्षिण भारत में, लेकिन आपको जो है वो राजस्थान में होने का एहसास दिलाता है। बहुत ही बेहतरीन जगह है वो, और आप जब इस वीडियो को आगे देखेंगे और वो जगह मैं आपको दिखलाऊंगा तो आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो वैसी जगह के लिए हम लोग निकल चुके हैं और हमारा सफर आपके साथ शुरू हो रहा है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सब कुछ बताएंगे, कितना चार्ज लगता है, कैसा खाना मिलता है, क्या क्या चीजें घूमने को मिलती है, सारी की सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। और प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं रॉयल चित्रम में, और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पीछे, मेरे पीछे, कि किस तरह से जो है ये डांस हो रहा है और किस तरह से जो है राजस्थान की संस्कृति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए फिर आगे ले चलते हैं, आगे बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। राजस्थान की संस्कृति का मज़ा लेते हुए, इस नृत्य का मज़ा लेते हुए, और बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। ये तो एक छोटी सी झलक है जो कि गेट पे आप लोग देख रहे हैं, तो लेके चलता हूँ मैं आपको अंदर, बहुत कुछ है अंदर देखने के लिए। तो अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से ग्रैंड वेलकम जो हुआ तिलक करने के साथ, और किस तरह से स्वागत हुआ यहाँ पे बेहतरीन, और लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी को काफ़ी हंसमुख है, और यहाँ पे एक बगल में एक मूर्ति भी आपको दिखाई दे रही है स्वागत नृत्य के रूप में। और मेरे पीछे जो है वो काउंटर दिखाई दे रहा है आपको, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये काउंटर है, यहाँ पर आपको टिकट लेना होता है, जैसा भी आप लेना चाहें। तो चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा, ये हमारा पास है और एक पास इनको ही मिला है, और ये जो बिल है ये हमारे डिनर का है, रात का डिनर का। और ये जो पास है पूरी तरह से घूमने का है। मैं आपको बता दूं, ये एक हिडन चार्ज की तरह भी है जो कि जनरली बिल पे हमारे जो है वेबसाइट पे नहीं दिखाया जाता। 500 रुपये का आपको चार्ज लगेगा अगर आप एनिमल राइड करते हैं तो, एनिमल राइड नहीं करेंगे तो 450 रुपये आपको देने पड़ेंगे घूमने के लिए, स्नैक्स के लिए,
खाने पीने की चीज़ें जो भी हैं छोटी मोटी डिनर को छोड़ के, उस सबके लिए आपको ओवरऑल चार्ज पर हेड जो है वो 450 रुपये लगेंगे अगर एनिमल राइड नहीं करते हैं तो। अगर आप ऊँट की राइडिंग करते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं, तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हमें नहीं करनी थी, इन्होंने मना कर दिया और मुझे भी मन नहीं है तो मैंने वो नहीं किया और मैंने केवल 450 का दो टिकट लिया, 900 का, और ये जो है डिनर के लिए मैंने लिया। तो डिनर आप जैसा भी करें, 200 करें, 300 करें, आपकी मर्जी है, सब भरपेट मिलता है। अब क्या मिलता है वो तो अंदर जाके पता चलेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं, ये जो पूरा सीनरीज आपको दिख रहा होगा, अंदर चल के बहुत कुछ है। यहाँ बोटिंग है, ये बोटिंग जो है मैं आपको दिखा दूँ, और ये जो रास्ता गया है ये बोटिंग की ओर गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं बोटिंग के लिए 4 PM to 7 PM फ्री, नो टिप्स, यानी ये उसी में इंक्लूड है, वो जो आपने पे किया है पहले कॉम्प्लीमेंट्री घूमने के लिए वो सभी इंक्लूड है। और देखिए सिर्फ सिंगल बोट है, और आपको एक एडवाइस है कि जब भी आप आएँ तो वीकेंड में ना आए, वर्किंग डे में आए, तो आपको आराम से जो है राइड करने का मौका मिलेगा बोट पे, और एक अलग मज़ा है इसमें। देख सकते हैं हम लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, गुल्लू भी बहुत एंजॉय कर रहा है, बोटिंग कर रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है बोटिंग में, डोंट वरी नहीं लगने वाला सर में। आपने देखा किस तरह से हमने बोट राइडिंग का मजा लिया पानी में, और ये कलाकृति यहाँ की नज़र जो आपको आ रही होगी और जो कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा होगा वो देख के आपको जरूर लगता होगा कि हम लोग राजस्थान के किसी इलाके में हैं, किसी किले में शूट कर रहे हैं। और बोट रेसिंग करने के बाद मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी एक्साइटमेंट कितनी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं ये लालटेन भी टंगा हुआ है यहाँ पर रात के लिए, और रात में ये सब जलेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। रात का सीन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और सामने आप देख सकते हैं सीढ़ी है, और हमें सीढ़ी के उस पार जाना है और उस बस्ती में जाना है जिस बस्ती के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। नृत्य करती हुई महिलाएं, पारंपरिक नृत्य राजस्थान का, और वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलते हैं आपको उस बस्ती में जिसका हमें काफ़ी समय से इंतजार था, और फॉक सिंगर्स राजस्थान का कल्चरल डांस, और यारे डांस देख के मुझे लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा डांस कर ही लेना चाहिए। इस बस्ती में हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं, पे बाजरा मक्का रोटी। जी हाँ, राजस्थान का जो ग्रामीण इलाके का फूड है, और अम्मा यहाँ पे घूंघट ताने हुए बाजरा और बाजरा और मक्के की रोटी जो है और चटनी, ये आपको साथ में मिलेगा, और
किस तरह से जो है बाजरे और मक्के की रोटी, गुड़ और चटनी, तो कितना स्वादिष्ट है, खाने के बाद तो मजा आएगा ही, देखते हैं। और ये है घी, चटनी, कैसा टेस्ट है, और रोटी छोटी है लेकिन टेस्ट बढ़िया है। इसका टेस्ट भी आ रहा है। ओपन हो हमारे लिए, और इसमें देखिए झरना आप अंदर दिख रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं साई टेंपल केव फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट भी है अंदर, केव भी है, सब कुछ है, गुफा भी है और झरना भी है, तो सब कुछ बिल्कुल नेचुरल जैसा बनाया गया है। थोड़ा सा भी फर्क नहीं लग रहा है कि हम लोग किसी मैन मेड जंगल में हैं, और जंगल आपको जो दिख रहे हैं वो डुप्लीकेट नहीं, वो ओरिजिनल ही है। झरना यहाँ बनाया गया है, छोटी सी झील बनाई गई है, झील के ऊपर आप ये सीढ़ी देख सकते हैं, और ये झील के नीचे साइड से गुफा है, इसलिए शायद जो है इस जगह का नाम केव फॉरेस्ट है। तो इस गुफा में मैं जरूर घुसना चाहूँगा, चैलेंजेस तो मुझे पहले से ही पसंद है। और ये हिरण यहाँ पे शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहा है, और इसका जो है सींग किसी ने तोड़ दिया है। कौन? और अंदर का नज़ारा ज़्यादा अंदर नहीं है, कुछ नहीं है, क्लोज्ड है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गुफा बंद है, खुली है। वाओ, व्हाट अ सीन। और ये अंदर की तरफ देखिए, मिट्टी को खोद के बनाया गया। ओह माय गॉड, साईं बाबा, जय बाबा। अब मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ये सीन। और देखिए, मेरी वाइफ को पता नहीं था, उसे इस केव से डर लग रहा था, गुफा से, और जब उसको पता चला कि अंदर साईं बाबा की मूर्ति है और मंदिर है, तो ये जाने को बेचैन हो गया। अंदर से अच्छी सी सुगंध आ रही है, अगरबत्ती जला है, और साईं राम का ये मंदिर जो कि गुफा के अंदर है। मेरी आवाज काफी गूंज रही होगी, और अंदर पानी टपक रहा है, काफी अंधेरा होगा, लाइट तो मेरे पास है नहीं। आप देख सकते हैं साईं बाबा की मूर्ति इस गुफा के अंदर, उस तरफ से निकलने का रास्ता है, लेकिन क्रॉस नहीं करूंगा चूंकि मैंने जूता पहन रखा है। ओम साईं राम। ऊपर देखिए पानी रिस रहा है, अंधेरे में पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं देगा, और काफी भव्य गुफा है, और सचमुच में गुफा है, ये मिट्टी को खोद के अंदर बनाया गया है। और ये जो सीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये झील है, झरना है, और ये सीढ़ी इस झील को पार करने के लिए, ये पुल मनमोहक है। कुछ भी कहिए, एक बार जरूर यहाँ घूमने आइए, मजे लीजिए यहाँ के और इस दृश्य के। राजस्थानी संस्कृति के अलावा आपको प्राकृतिक परिदृश्य का भी नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ पे। और पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि मैं गाँव में आया हूँ, बारिश हुई है, कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ हम ऊंचाई पे आ चुके हैं ऊपर में, और ऊपर से कुछ इस तरह का, ये जुगनू को जरूर आप देखिए, ये ऊपर भी पहुंच जाता है, ये कहीं भी पहुंच सकता है। ये जुगनू बहुत बदमाश है, और इसका देखिए, इसका चेहरा देखिए, दिखने में ही बदमाश लगता है। और यहाँ से देखिए ऊपर का दृश्य, ये शाम का दृश्य है, शाम के 6 बज रहे हैं, और देखिए अभी भी कितनी लाइट है, कितना प्रकाश है यहाँ। और इस जंगल का ये सीन सच में किसी मनमोहक दृश्य से कम नहीं। और यहाँ पे हम लोग अब नीचे जाने की कोशिश करेंगे। सब देख सकते हो, हम लोग वेलकम ड्रिंक की ओर बढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देख के। तो ये देख सकते हैं आप, ऑरेंज ड्रिंक बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, मेरे हस्बैंड बता रहे हैं, मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया है।
रियली में बहुत ही टेस्टी है और ये भी पीने को बेचैन है, इसको भी बहुत अच्छा लगता है। लो बेटा, वाओ टेस्टी है बेटू। आप सब देख सकते हैं इस ड्रिंक को, बहुत ही टेस्टी है, वाकई बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे जो है जो चार्ज हमने दिया था उसी में इंक्लूड बाटी की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं चटनी और यहाँ पे बाटी और भी बहुत कुछ है, बहुत सारा आइटम जो कि कम्प्लीटली फ्री है। और मैं ले लेता हूँ अपना हिस्सा। और ये आइटम भी आप देख सकते हैं पकौड़ा टाइप का, इसमें यहाँ पे आप देखिए काफ़ी टेस्टी देखने में ही लग रहा है और इसका एक अलग मजा है। कहाँ पे खाएंगे? हाँ, और खाट की ओर जाना होगा हमें, ले लो। और चूंकि मेरा हाथ भर चुका है, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में पकौड़ा और एक हाथ में बच्चा, मतलब दो ही हाथ में मैंने सब कुछ ले रखा है। और हम लोग खाट की ओर जा रहे हैं। यहाँ खाट पे बैठ के जो है खाने का मजा ही कुछ और है, जैसे हम लोग गाँव में खाते थे। और यहाँ पंचायत और ये मैजिशियन की जगह है, देखिए सामने मैजिशियन लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे जादू दिखलाया जाता है जो हम लोग जरूर देखेंगे। और हमारा ये खाना जो है खटिया पर रख दिया गया है, कुछ हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा पेट पूजा करके मैं तुरंत आता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था है, लालटेन जो है ये जल रहा है यहाँ पे, यहाँ की लाइट से जो है थोड़ा सा कलर है दिख रहा है, लेकिन चाय बहुत ही बेहतरीन है, बहुत टेस्टी चाय है। और चाय की भी जो व्यवस्था यहाँ पे बेहतरीन है, आप आराम से लेके एंजॉय करके पकौड़े के साथ चाय पी सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी में सब कुछ इंक्लूडेड है। अब जो बारी है वो डांस की है, खाते खाते हमारा पेट इतना भर चुका है कि इसे पचाने के लिए जो है कुछ तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। और हम लोग जल्दी जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं एक बार मैं घुमा के कैमरा दिखा देता हूँ, वहाँ डांस हो रहा है और वहाँ पे जो डांस हो रहा है वो मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है, तो मैं जाना जरूर चाहूंगा। वहाँ पे राजस्थानी सॉन्ग चल रहा है, डीजे पे राजस्थानी सॉन्ग चल रहा है। यही गांव में सुदूर एक मंदिर, जी हाँ बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर, और बहुत ही रमणीय लग रहा है। और चलते हैं, एक बार दर्शन भी जरूरी है भगवान के। मस्ती तो होती रहती है हर जगह, डांस ही डांस दिखाई दे रहा है और काफ़ी कुछ है यहाँ घूमने के लिए, तो आप सब लोग इनके दर्शन जरूर करें। चलते हैं आपको आगे लेकर। राजस्थानी मटका डांस आप इसे कह सकते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, फॉक डांस। तो फॉक डांस यहाँ पे चल रहा है और किस तरह से महिला जो है अपना कर्तव्य दिखा रही है, डांस के साथ साथ मटके का बैलेंस, एक विचित्र दृश्य यहाँ पे। Yeah.
तो हम लोग रॉयल राजपूताना की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सब देख के। ऐसा लग रहा है कि हम राजस्थान के गांव में ही हैं। तो ये रहा रॉयल राजपूताना। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। बायोस्कोप है, हुक्का है। ये बायोस्कोप रहा। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों देख रहे हैं बायोस्कोप। आप देख सकते हो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आप अपने पाम को भी दिखा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं। आप अपने हथेली भी दिखा सकते हैं, भविष्य भी दिखा सकते हैं इनसे। ये भी यहाँ भी ये सब भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे पंजाब फोक डांस भी है, बहुत ही मजेदार लगता है ये डांस। अब मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं डांस के लिए, आप सब देख सकते हो। ये देख सकते हैं आप, सूप और राबड़ी ये 7:30 तक ही मिलती है। ले लो दही राबड़ी, ले लो, ठीक लगेगा। अच्छा एक सूप दे दीजिए मुझे, दही राबड़ी दे दीजिए। आप सब देख सकते हैं यहाँ का ये डाइनिंग हॉल है। इधर लो डाइनिंग का ये रहा हमारा डाइनिंग हॉल, ये रहा काउंटर। और यहाँ पे हम अपनी पर्ची जमा करेंगे। तो ये रहा हमारा डाइनिंग एरिया। तो आप देख सकते हैं राजस्थानी परंपरा के अनुसार तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थाली पूरी तरह लगी हुई नहीं है अभी। अब इसमें बहुत कुछ खाना बाकी है और ये बहुत सारे लोग थाली लोग जैसे जैसे गेस्ट आते जाएंगे खाना खाते चले जाएंगे। ये पूरा डाइनिंग हॉल है और पूरी तरह एसी है ये। और ये कुछ हलवा टाइप का कुछ है रखा हुआ इसमें पहले से। दो सलाद के टुकड़े हैं, थोड़ी सी चटनी है, थोड़ा सा अचार है, ग्लास में पानी है और दो तीन कटोरी रखे हुए हैं। पुरानी कटोरी में ये लोग मतलब क्या देने वाले हैं, तो रिव्यू करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरा खाना आने के बाद फिर से मैं आता हूँ तुरंत। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खाना लग चुका है हमारा और इसमें भी राइस और क्या है खिचड़ी, खिचड़ी आना बाकी है जो कि हम लोग रोटी खाने के बाद खाएंगे। ये हलवा है, ये बेसन के कट्टे हैं
ये मिक्स वेज है, ये पनीर है, ये दाल है, कढ़ी है, इमरती सलाद, ये इसको क्या बोलते हैं, चाट, अचार, चटनी, और ये है दाल बाटी, मीठी बाटी, मीठी नहीं है, बाटी है, शुद्ध घी में बनी हुई बाटी है, और ये रोटी है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, मिक्सी रोटी। तो ये सारा आइटम है, और मतलब जो है अमाउंट और क्वालिटी दोनों अच्छे हैं। थोड़े थोड़े समय से खाने पर मुझे लगता है पूरी तरह से जो है आदमी संतुष्ट भी हो जाएगा। वैसे खाने के बाद मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा, और खाना इस तरह से लगता है सबके लिए। अभी हम लोग दो ही आदमी आए हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। मुझे लगा था भीड़ होगी, लेकिन भीड़ नहीं है, हम केवल दो लोग ही हैं यहाँ पर। ये भी खाने का वेट कर रही हैं, देखिए, और ये तो खैर खाता ही नहीं है। तो आप लोग देख चुके हैं, और ये सब चीज़ें अनलिमिटेड हैं, आप खाने के बाद फिर से चाहें तो ले सकते हैं, और ये मत सोचिए कि मतलब लिमिटेड है कुछ भी। और एक आदमी जो मतलब क्या 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 खाएगा, एक आदमी पेट में ही खाएगा। तो चलिए रिव्यू करते हैं, खाते हैं, और फिर आपको बताते हैं चलते समय। और काफ़ी टेस्टी है खाना, और एक एक करके मैं समय से टेस्ट करूँगा। दाल मिक्स वेज भी बहुत अच्छा है, एक सब्जी, सब कुछ बहुत अच्छा है। स्टॉप करते हैं, आराम से अच्छा है, टेस्टी। तो यहाँ हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं रिसेप्शन हॉल जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे वहीं हम लोग फिर से अभी आ गए हैं। और बहुत ही अच्छा जो है हर चीज़ था, सारी सर्विसेज, घूमना फिरना, काफ़ी बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे, आपने देखा ही होगा वीडियो में, और ख़ासकर खाने की तो बात पूछिए मत, बहुत बढ़िया खाना था। और लास्ट में वो जो खिचड़ी मिली, और खिचड़ी में 2 चम्मच घी, चावल की क्वालिटी तो अच्छी थी, अलग से चावल, वाइट चावल मिला था, और वो जो खिचड़ी जो मिला था वो खिचड़ी भी बहुत टेस्टी थी, हरे दाल की खिचड़ी, और साथ में 2 चम्मच शुद्ध घी उसमें डाल के जो है उसका स्वाद बेहतरीन हो गया। तो 5 में से 4.5 तो मैं रेटिंग नहीं दूंगा इसको। अब पता नहीं मैडम क्या कहना चाहेंगी। यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा घूमे फिरे चारों तरफ, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी, स्टाफ सब सारे बहुत अच्छे थे, खाना भी बहुत अच्छा था। बहुत ही कम टाइम हम लोग दिए, फिर भी हम लोग 4 घंटे दे दिए यहाँ पे, समझ सकते हो आप कितनी मस्ती करें हम सब। बहुत ही अच्छा था, सारा चीज़ बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर अपना जो है कमेंट जरूर दें, और कुछ कमी हो तो ज़रूर बताएं, हम उस पर सुधार करेंगे। हमारा पहला व्लॉग है ये, और पढ़ाई लिखाई के साथ जो है थोड़ा सा व्लॉगिंग भी ज़रूरी है, मस्ती भी ज़रूरी है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग चलते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है और समय भी लगेगा, रात का समय है, ठंड का समय है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, फिर से एक नया टॉपिक, नई जगह, अच्छी जगह लेके आऊँगा। बच्चे को भी नींद आ रही है, चलो बेटा बाय बोल दो, बाय बाय, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।